हेलो गाइस, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इनक्रेडिबल इंडिया में। तो अतुल्य भारत में आज हम जिस मंदिर के आपको दर्शन करवाने वाले हैं, ये मंदिर जो है हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में पड़ता है। और इस जो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है, इसकी एक तहसील है नौराधार। इसके साथ ही ये जो मंदिर है, ये कुदंडता के नाम से ये मंदिर यहाँ पर प्रसिद्ध है। आज हम दर्शन करवाएँगे उस देव के जो हिमाचल में जिनके लगभग 1800 ज़्यादा मंदिर हैं बिजट महाराज जी के। तो इसी तरह से हम आगे भी आपके लिए इसी तरह की रोचक वीडियो जरूर लाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम बात करेंगे इस मंदिर के रोहित जी से। वो हमें बताएंगे कि ये मंदिर कितना प्राचीन है और इसका क्या इतिहास है और किस तरह से इस मंदिर का निर्माण हुआ, ये सब कुछ हम इनसे पूछेंगे। चलिए आज बात करते हैं हम यहाँ के पंडित जी से। जी पंडित जी, एक और बात है कि हमने सुना है कि यहाँ पे जो है अपने आप जो है ढोल नगाड़े बजते हैं और यहाँ जो है पानी के दिए भी जलते हैं। एक बार की बात है, ये कोई 2 साल पुरानी बात है। महात्मा जी रहते थे जी, तो मिस्त्री जो हमारे मिस्त्री है, इसके मंदिर के जो मिस्त्री है वो भी था, बलवीर में भी था जी। और हम रात को यहाँ थे और 11:05 पर जो है यहाँ पर ढोल नगाड़े के साथ अपने आप जो है जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चमत्कार भी है और यहाँ हम कह सकते हैं कि चमत्कार होते हैं। यहाँ जब ज्यादा कभी बारिश शुरू हो जाएगी तो यहाँ बहुत बड़ा एक दीपक जलता है, यहाँ से सीधा बांदल मंदिर के ऊपर जाएगा और बांदल में पूरी मंदिर के बाहर जो है दीपक जलेंगे और सारे गाँव वालों ने, कई गाँव वालों ने भी देखे जी। अब हम आपको वो गाँव दिखाएंगे जहाँ की ये पंडित जी बात कर रहे हैं। ये यहाँ से थोड़ा सा दूर है लेकिन यहाँ से हम आपको ज़रूर दिखाएंगे कि ये गांव, ये आप देख सकते हैं जूम करके, ये वो गांव है कि जहाँ पे पानी के दिए जलते हैं। और हमारी जो अपकमिंग अगली जो वीडियो आने वाली है वो इसी गांव से आएगी। तो ये पंडित जी ने हमें यहाँ पर बताया कि ये कितना प्राचीन मंदिर है और किस तरह का यहाँ का इतिहास है, ये सब कुछ हम आपको ये वीडियो लेकर आपके लिए आए हैं। इसके अलावा आप यहाँ और भी देख सकते हैं कि यहाँ पर टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छा प्लेस है, ये घूमने के लिए बहुत सारे यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और तकरीबन 12 महीने में लगभग 1 या 1.5 महीने यहाँ बर्फ़ गिरती है और लगभग 10 महीने जो है यहाँ पर साफ मौसम रहता है। और आप देख सकते हैं इसके अलावा आप यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु भी देख सकते हैं जो हर साल जो है यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं। तो हम एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहेंगे पंडित जी का कि इन्होंने हमें इतनी अच्छी रोचक जानकारी और एक अच्छा इतिहास बताया हमें। क्या क्या जो कारीगरी की गई है ये सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये वो पत्थर है जो कि अभी जो है यहाँ पर कारीगर के द्वारा बनाए जा रहे हैं और मैं इन कारीगर का भी आपको एड्रेस देना चाहूँगा। ये स्थानीय कारीगर हैं जो कि बलवीर सिंह जी के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध हैं और तकरीबन इन्होंने बहुत सारे मंदिरों में काम किया है। यहाँ के जितने भी यहाँ आसपास जो है मंदिर बने हुए, वो चाहे बिजट महाराज जी का मंदिर हो या फिर शिरगुल महाराज जी का, हर एक मंदिर में इन्होंने बखूबी काम किया है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तकरीबन बहुत सारे लोग जो है दूर दूर क्षेत्र से यहाँ पर आते हैं
और यहाँ पर जो है अपनी मनोकामना जो है पूरी करते हैं। ये देखिए ये वो मंदिर है जो कि अभी निर्माण कार्य में जो है चला हुआ है। ये इसका प्रमुख गेट है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है अभी इसमें जो है कारीगरी की गई है इस पूरे मंदिर में। ये इसका प्रमुख गेट है। और इसके बाद ये देखिए ये वो स्थान है जहाँ पर विजट महाराज जो है वो विराजित रहते हैं अपने साक्षात रूप में। तो अभी इस मंदिर में जो है निर्माण कार्य चला हुआ है, और जैसे ही ये मंदिर जो है पूरा हो जाता है उसके तत्पश्चात जो है यहाँ पर विजट महाराज को जो है विधिवत रूप से जो है वापिस इस मंदिर में स्थापित किया जाएगा। ये देखिए ये मंदिर जो है पूर्णता जो है बिल्कुल आप देख सकते हैं कि इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है केमिकल, किसी भी प्रकार का सीमेंट या फिर किसी भी प्रकार का जो रेत है इसका बिल्कुल भी इसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है। और मैं इसे बाहर से भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए ये किस तरह से जो है इन पत्थरों पर जो है काफ़ी बारीकी से जो है कारीगरी की गई है। एक एक पत्थर को जो है काफ़ी समय लगाकर जो है इस तरह से बनाया गया है ताकि मंदिर के जो निर्माण में है वो किसी भी प्रकार की जो कमी ना आए। ये देखिए एक सांप भी आप देख सकते हैं इसमें, सांप नुमा एक आकृति जो है यहाँ पर बनाई गई है इस पत्थर में। और अभी लगभग जो निर्माण कार्य है इस मंदिर का वो चला हुआ है। और ये देखिए ये पूरा मंदिर जो है काफी अच्छी जगह पर जो ये मंदिर बना हुआ है, और इसके चारों तरफ आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत नजारा जो है प्रकृति का हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए ये वो क्षेत्र है जो इस मंदिर के क्षेत्र में आते हैं। ये देखिए ये नौराधार एक प्रसिद्ध टूरिज्म प्लेस आपको जरूर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। ये नौराधार तहसील का जो ये व्यू हम आपको दिखाते हैं, क्षेत्र है जहाँ से तकरीबन 12 महीने जो है टूरिज्म आते हैं और यहाँ की प्राकृतिक छटा का आनंद लेते हैं। ये देखिए ये चूड़धार की चोटियों का एक खूबसूरत नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये पूरा क्षेत्र जो है प्राकृतिक मनमोहक दृश्य के लिए जाना जाता है। आगे जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं ये देखिए ये वो गहरा किला है जहाँ पर जो है राणा, ऐसी मान्यता है कि राणा जो है यहाँ पर कभी राज किया करते थे। ये देखिए ये वो किला है जिसके अंदर आप देख सकते हैं तो छोटे छोटे जो है वो इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई देगी जहाँ से जो है राणा जो है अपने पूरे क्षेत्र को देखता था और ये भी देखता था कि कहाँ से जो है उसके किले पर जो है वो किसी शत्रु के द्वारा कोई हमला तो नहीं किया जा रहा है। ये देखिए ये वो रास्ते हैं जहाँ से अक्सर जो है दूर दूर से श्रद्धालु जो है यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। ये आप देख सकते हैं ये देखिए, और ये वो जगह है जहाँ पर अभी विजट महाराज जो है विराजमान है। तो फ्रेंड्स ये वो सुरक्षा दीवार है जो इसकी चारों तरफ जो है लगाई गई है, इस मंदिर के बिल्कुल कवर किया हुआ इस पूरे मंदिर को आप देख सकते हैं। और ये वो देवदार के वृक्ष हैं जो यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को जो है चार चांद लगाते हैं आप देख सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के ठीक नीचे जो है बहुत बड़ा पानी का कुंड है और जिसमें से जो है कि जलधार सदा बहती रहती है। उस पानी की तरफ हम आपको जरूर लेकर जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये वो पानी है जिसकी मैं अभी पहले वीडियो में बात कर रहा था कि ये जो पानी है ना बरसात में ये सूखता है बढ़ता है और ना ही गर्मी में ये सूखता है। ये जितने ही जलधार हैं सिर्फ उतनी ही ये रहती है। और यहाँ पे जो है बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, तकरीबन साल के 12 महीने जो है यहाँ पर अक्सर चले रहते हैं श्रद्धालु।
तो ये मैं आपको आगे दिखाना चाहूँगा कि ये जो जल धार है ये कुछ इस जगह से जो है निकल कर आती है और यहाँ से बाहर निकल के जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये पानी जो है बाहर निकल जाता है। ये पानी काफ़ी ठंडा रहता है और गर्मी में भी ये बिल्कुल एक फ्रिज की तरह जो है यहाँ पर बिल्कुल ठंडा पानी आपको मिलेगा। तो ये वो जगह है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं अक्सर यहाँ पर मंदिर में आया करते हैं और अपनी मनोकामना जो है अक्सर पूरी होती है इस मंदिर में सभी श्रद्धालुओं की। ये देखिए यहाँ पर भोजन की भी जो है व्यवस्था की गई है लंगर के रूप में, आप देख सकते हैं बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ पर तकरीबन 12 महीने यहाँ पर आते रहते हैं। और ये देखिए आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि इस मंदिर के प्रति कितनी श्रद्धा है लोगों की और अपनी हर एक मनोकामना पूरी करने के लिए जो है यहाँ पर अक्सर जो है लोग आते रहते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप तकरीबन जो है इसी क्षेत्र के जो है लोग आप देख सकते हैं, ये मामा भूपेंद्र जी हैं जो कि एक अच्छे कारीगर हैं और इन्होंने भी बहुत से मंदिरों का निर्माण किया है और आगे भी ये अपनी सेवाएं जो है बिजट महाराज के लिए देते रहेंगे। और ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु जो हैं आपको दिखाई देंगे। ये भाई दिलावर जी हैं जो कि ग्राम बांदल से संबंध रखते हैं और सुबह से लेकर जो है सुबह 5 बजे से यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं। ये हमारे गांव बांदल के दादाजी हैं, दोनों ही रिश्ते में हमारे दादाजी लगते हैं और सुबह से जो है तकरीबन 5 बजे से जो है ये यहाँ पर जो है अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं इस मंदिर के लिए। और ये देखिए ये ग्राम बांदल से जो है बिलोंग रखते हैं और सुबह से जो है सेवा में लगे हैं इस भंडारे के लिए। तो ये श्रद्धा है जो कि इस मंदिर से जुड़ी हुई है लोगों की। तो अंत में मैं यही कहूंगा कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे इसी तरह की रोचक वीडियो हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे।